फरमान। वो पूछते हैं हमसे कि हम जो ये चार दीवारों के दरमियान विचार लिखते हैं, क्या इश्क से लबालब पंक्तियां चार लिखते हैं? इश्क का नाम सुनते ही गिरते रहते हैं कपटी शायर, जैसे कचड़े को देखकर सुअर के लार गिरते हैं। आज फिर से रजिया को सलमा से इश्क हुआ, आज फिर से रजिया को सलमा से इश्क हुआ और सुल्ताना के गम में शहीद आशिक हुआ। इन अफसानों पे तर्क वितर्क हाई कोर्ट तक हुए और इंसाफ से महरूम मेरे मुसलमान दोस्त के कत्ल का मुद्दा हुआ। बेगैरत है हम तो, बेगैरत है हम तो, इसलिए साफ साफ लिखेंगे। तर्ज से मानुष है, मैनर पता है हम, तर्ज से मानुष है, मगर ऐसे ही इंसाफ लिखेंगे। रफ्तार रफ्तार जो अफसानों की औकात शिफर तक जा रही है, जो नथिंगनेस में जा रहा है आर्ट हमारा, रफ्तार रफ्तार जो अफसानों की औकात शिफर तक जा रही है, उज्र नहीं देंगे हम, एक्सक्यूज उज्र नहीं देंगे हम, अब इसमत सी किताब लिखेंगे। मियां मत बताओ हमें कि मौत की गुंजाइश क्या है, लोग कहते हैं मुझे इतना विद्रोह वाला मत लिखो, कभी कोई आ गया कुछ किसी ने प्रोटेस्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मियां मत बताओ हमें कि मौत की गुंजाइश क्या है, कभी सोचा है इस बेशर्म शायरा की ख्वाहिश क्या है? हम नहीं लिखेंगे कि दिल कैसे टूटा हमारा, हम नहीं लिखेंगे कि दिल कैसे टूटा हमारा, जब टूटी हो सत्ता तो ये वसल की नुमाइश क्या है? हमारे ख्यालों से नंगी औरतें गुजरती हैं, मुहास करो सुनी, क्यों? क्योंकि सारी दुनिया करती है। वो ठहरती है पंक्तियों में हमारे, अपने बालात्कार की दास्ता दहाया करती। तुम आज भी मजनू बनोगे, जो लैला ने तुम्हारी माँ की कनपट्टी पे बंदूक तान दी, तो माफ करोगे, आशिकी करोगे, बगावत नहीं करोगे। कलम की नोक से सीना छलनी नहीं करोगे। वो पूछते हैं हमसे कि जो ये हम चार दीवारों के दरमियान लिखते हैं, क्या जेल के डर से बगावत की नहीं पंक्तियां लिखते हैं? मियां जब से हमने लिखना शुरू किया है तबीयत तंग है, घर पे खाना और पड़ोसियों का आना जाना बंद है। मियां जब से हमने लिखना शुरू किया है, पर हमारी गली में तब से नेताओं का आना जाना है। वैसे तो घर हमारा पुराना है, मगर खिड़कियों को रिपेयर करवा हम पक्का आंकते हैं। वो क्या है कि बजट जैसे मुद्दे के आते ही ये शायरों की खिड़कियों से भागते हैं। नहीं, हम कुछ खास नहीं लिखते, पर ये अखबारों में जो आवाम की आवाज नहीं लिखते, इन्हें शब्द हमारे छुपते हैं। तो कॉलेजों के डस्टबिन को टटोलते हैं ये और बताते हैं कि यहाँ के बच्चे कॉन्डम इस्तेमाल करते हैं। हम पब्लिश हो जाते अगर आशिक होते तो, हम पब्लिश हो जाते अगर हम आशिक होते तो, शायर है मगर वो वाकिफ होते तो। हम नहीं करते शायरी खुले में, क्योंकि लफ्ज है क्रांति के, जो शौच होते तो खुले में करने की इजाजत होती। हम नहीं लिखते खुले में कि कविताएं हमारी बगावत पे हैं, दहलीज से निकल गई तो नंगी औरतों की कोख क्रांति से भर जाएंगे, क्रांति कोख में रक्स करेंगी, सत्ता के हिसाब पूरे नंगे हो जाएंगे, मस्जिद गिरजा घर गिरेंगे, मंदिर भी सारे गिर जाएंगे, जो हर शायर बगावत पे आ गए, कलर झटकेंगे और सब पर खून के छींटे पड़ जाएंगे। फिर अदालत बैठेगी, शायरों पे सत्ता के कत्ल के इल्जाम लगाए जाएंगे, कागज को कलम से कुरेदा जाएगा, सबको फांसी होगी और सारे शायर मर जाएंगे। ये जो हम चार दीवारों के दरमियान लिखते हैं, शायर और शायरी की मौत का फरमान लिखते हैं। थैंक यू।